भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो का चंद्रयान 3 इतिहास रचने से चंद कदम दूर है। इंतजार हो रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उदय का। 23 अगस्त को सूर्य की पहली किरण के साथ ही विक्रम लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच इसरो ने चंद्रयान 3 की भेजी हुई ताजा तस्वीरें भी जारी की हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आप भी साक्षी बन सकते हैं। इसरो ने कहा कि हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले इस घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 5:27 पर शुरू किया जाएगा। इसरो की वेबसाइट और इसके यूट्यूब चैनल, इसरो की फेसबुक पेज के साथ ही दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा। इससे पहले रविवार को रूस के लूना 25 के क्रैश होने के साथ ही रूस चंद्रमा की इस दौड़ से बाहर हो गया है। इससे यह संभावनाएं भी बढ़ गई हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। लूना 25 को भारत से 2 दिन पहले 21 अगस्त को चंद्रमा पर उतरना था। चंद्रमा की अंतिम कक्षा में अभी विक्रम लैंडर घूम रहा है, यही चांद की सतह पर लैंड करेगा। सेफ लैंडिंग के बाद इसमें से रोवर प्रज्ञान निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए अध्ययन करेगा और वैज्ञानिकों को डाटा भी भेजेगा। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद अब तक के सभी पड़ावों को अपेक्षा के अनुरूप पार करते हुए चंद्रयान 3 ने शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि तकरीबन 2 बजे अंतिम डी बूस्टिंग यानी धीमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा से इसकी दूरी अब केवल 25 किलोमीटर है। चंद्रमा पर उतरकर क्या करेगा चंद्रयान 3? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर उतरकर चंद्रयान 3 3 काम करेगा। पहला, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। और तीसरा, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें।